सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी, नई रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RACET, अन्य भर्तियों की। इसके अलावा दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक व शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज 28 जुलाई 2024 रविवार संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। आज का इतिहास, 28 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाएं, नई रीट 2024 विज्ञप्ति, नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को लेकर बड़ी न्यूज। उपेंद्र यादव ने की शासन सचिव मुख्यमंत्री सीएमओ कार्यालय में मुलाकात। रीट पात्रता परीक्षा और स्कूल व्याख्याता, नई सेकंड ग्रेड भर्ती और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती शिक्षा विभाग में आएगी, लेकिन थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में समय लगेगा। शिक्षा विभाग की भर्तियों को लेकर कल शासन सचिव शिक्षा विभाग से मुलाकात की थी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अगले महीने आपको नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कंप्यूटर अनुदेशक की विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट ग्रेड की कोई 5954 के आसपास पदों पर, सेकंड ग्रेड की 9,500 के आसपास पदों पर। इसके अलावा रीट पात्रता पहले होगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, उसके बाद पदों का वर्गीकरण जारी होगा। अगले साल शिक्षक भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी होगा। शिक्षक भर्ती लेवल 2 के TSP विधवा कैटेगरी के महिलाओं को नियुक्ति का इंतजार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रीट शिक्षक भर्ती CET को लेकर अच्छी न्यूज। मुख्यमंत्री ने दी सहमति, उपेंद्र यादव ने ट्वीट किया। CET पात्रता परीक्षा में 40%, ST SC को 35% करने के प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया है और जल्द ही कैबिनेट से भी CET में न्यूनतम 40% पात्रता रखने का नियम का अनुमोदन हो जाएगा। भाजपा नेता उपेंद्र यादव की मांग पूरी, नई CET में लागू होगा, नई CET आने वाले दिनों में होगी तो वहां पर 40% लागू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल ने तीन भर्तियों को लेकर बड़ी घोषणा, अग्निवीर शामिल होंगे। राजस्थान की तीन भर्तियां, पुलिस, वनपाल वन रक्षक और जेल प्रहरी भर्ती, RPSC से बड़ी न्यूज। पात्रता जांच का अंतिम अवसर, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हॉस्पिटल केयर टेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग भर्ती वर्ष 2021-22 के पदों के तहत काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे 29 अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान किया है। मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों को 31 जुलाई को सुबह 9:30 बजे पात्रता जांच के लिए उपस्थित होना होगा। 9 विषयों के 60 अभ्यर्थियों से नियुक्ति के लिए मांगे विकल्प, शिक्षा विभाग से न्यूज। बीकानेर RPSC फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2018 मामला, पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती बढ़ाने के बजाय कम कर दिए पद। 14,959 स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद ही सर्जित नहीं किया गया, राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। उत्तर कुंजी पर आपत्ति देने में जुटे अभ्यर्थी, RPSC अजमेर, सहायकाचार्य, लाइब्रेरियन और PTI भर्ती, अभ्यर्थी 29 जुलाई यानी कल तक रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन अभ्यर्थी दर्ज करा सकेंगे। RPSC ने सरकार को 2 प्रस्ताव भेजे, RPSC चेयरमैन का बड़ा बयान, अब नई RAS भर्ती 2024 में शामिल होकर SI जारी होगी, SI के पद अलग से नहीं होगी, SI भर्ती सरकार जल्द मोहर लगा सकती है। 5 साल में नौकरी पाने वाले कर्मियों के जांचेंगे दस्तावेज, कैंप कल से शिक्षा विभाग की रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब की जांच होगी। PTI सहित 5 भर्तियों में चयनित 29 अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच शुरू, तलवाड़ा। RPSC 7 विषयों के आंसर की जारी, PTI भर्ती परीक्षा में पास हुए 5 अभ्यर्थियों के खिलाफ में FIR दर्ज। महात्मा गांधी स्कूलों का मामला, शिक्षकों के चयन प्रक्रिया में प्रार्थियों को शामिल करे हाईकोर्ट, चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान आवासन मंडल जयपुर अधिसूचना भर्ती को लेकर शारीरिक शिक्षकों की मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात।
16 सूत्री मांग पत्र को लेकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात। रिटायर स्कूल व्याख्याता से रिकवरी पर रोक, नवज्योति न्यूज। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 से शुरू, रेलवे में जेएन के समक्ष 7,951 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहे शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश, नवज्योति न्यूज। नवोदय विद्यालय में प्रवेश की कवायद, 649 स्कूलों में मिलेगा प्रवेश। शिक्षा विभाग का आदेश, अनिवार्य रूप से लगाएं पौधे। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में चलेगी प्राइमरी कक्षाएं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अधिसूचना जारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा 12 अगस्त से 800 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। दो योजना की पुरस्कार राशि छात्राओं को ट्रांसफर की शिक्षा विभाग। ट्रेजरी में पर्याप्त बजट नहीं, शिक्षकों की जुलाई की सैलरी पर भी संकट, बांसवाड़ा भास्कर न्यूज। काउंसलिंग खाली सीटों के लिए गाइडलाइन जारी। ग्रेड बी अधिकारी के पदों पर निकली भर्ती। नया सेशन शुरू पर कॉलेजों में नए लाइब्रेरियन और नए पीटीए। प्रदेश में 535 लाइब्रेरियन और 540 पीटीए के पद है खाली। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में निर्धारित सीटों में 50% सीटें बढ़ाई। विद्यालय में कक्षा कक्ष उपलब्ध होने पर अब बच्चों को मिलेगा अधिक प्रवेश। शुरू हो चुके आवेदन, भरे जाएंगे 741 पद।